आज श्री माता जी ने 6th वर्कशॉप ऑन अटेंशन का आयोजन यहाँ लुधियाना में रखा है। आज तिथि है 29 जून। कितना सुंदर स्थान चुना है श्री माता जी ने अपने इन कार्यों के लिए। सहजी आ रहे हैं, धीरे धीरे अभी कुछ और लोग रह गए हैं, कुछ आ चुके हैं। एकोमोडेशन एडजस्ट हो रही है। शस्त्रार के स्तर तक दीदी, इतना ही ऊपर जाना है। चलो जी आओ, ये हमारी रमनी बहन है। इन्हीं की इच्छा, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप था ईविल हंटर्स, जो पिछले 4 साल से चल रहा था, चलते चलते सभी की इच्छा हुई कि जो हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो क्यों ना हम कभी इकट्ठा होकर भी मेडिटेशन करते रहें। तो इस इच्छा की परिणति और इसके परिणाम स्वरूप हमारी बहन के मुख से श्री माता जी ने ये कहलवाया और परिणाम स्वरूप पहला प्रोग्राम दिल्ली में हुआ, दूसरा हुआ हरिद्वार में और तीसरा हुआ देहरादून में और अब ये चौथा प्रोग्राम होने जा रहा है। यानी कि टोटल ये 6ठा प्रोग्राम है, वैसे अगर देखा जाए 6th प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम हुआ था 2010 में लातूर में, दूसरा प्रोग्राम हुआ बनारस में, तीसरा हुआ दिल्ली में, चौथा हुआ हरिद्वार में और पांचवा हुआ देहरादून में और 6ठा अब लुधियाना में। यानी कि 6ठा चक्र है आज्ञा का, इसलिए आज्ञा में बहुत हलचल है 6ठा होने के कारण। और हृदय था हरिद्वार में। देखिए इंटरेस्टिंग बात है ना, और नाभि है दिल्ली। सोचिए श्री माता जी क्या करानी है, जो सबसे ज्यादा बाधा नाभि की दिल्ली में ही है। हरिद्वार का हृदय गंगा माँ आनंदित, फिर आए विशुद्धि पे देहरादून विराट यानी कि पहाड़ों की तरफ चले और 6ठा आज्ञा। यही सारी गड़बड़ है, लुधियाना में ही सारी गड़बड़ हुई है। आज्ञा का बना है यानी कि आज्ञा क्लियर कराने की व्यवस्था लुधियाना में रखी है श्री माता जी ने। मैं गलत तो नहीं कह रहा, देखो श्री माता जी ने कैसे सिस्टम बनाया है। अब 7वां होगा शस्त्रार पहाड़ों में कहीं। मैन देख लीजिए, आपने पहले ही बता दिया था, तो श्री माता जी की व्यवस्था को कौन टाल सकता है इस मामले में। सबसे बड़ी बात सब उन्हीं की है, सब उन्हीं की व्यवस्था है, कोई और इसमें शामिल ही नहीं है। हम आप कुछ है ही नहीं, वी आर नथिंग। अब देखिए साधक सब श्री माता जी चुनती है अपने आप। देखिए ना आप किस हिसाब से करा, देखिए कमाल की बात। देखिए मूलाधार महाराष्ट्र में, पहला प्रोग्राम महाराष्ट्र में, इंटरेस्टिंग बात। स्वाधिष्ठान ज्ञान बनारस में, काशी में ज्ञान का केंद्र है। आप देखिए उनकी व्यवस्था, आप सोच सकते हैं इस बारे में श्री माता जी की व्यवस्था क्या होती है। बेकार सब लोग दिमाग लगाते रहते हैं और ये भी समझने की कोशिश नहीं करते कि भाई व्यवस्था श्री माता जी की है। महाराष्ट्र में मूलाधार है नहीं है, श्री गणेश जी का स्थान है। दूसरा प्रोग्राम उन्होंने कराया बनारस में, स्वाधिष्ठान यानी कि ज्ञान का स्थान, ज्ञान की काशी मानी जाती है वो एंशियंट। आइए अंदर चले। भाई सब प्रणाम, नाइस टू मीट, बहुत सुंदर आपका ये बहुत अच्छा बना हुआ है। बस अब शुरू करा दीजिए बहन जी। और ये व्यवस्था की है श्री माता जी ने ध्यान के स्थान की, कितनी सुंदर व्यवस्था है, ऐसी हॉल है। सब कुछ माँ के द्वारा संयोजित है,
सब कुछ सुनिश्चित है, पूर्व निर्धारित है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना अच्छा अरेंजमेंट है श्री माता जी ने रखा है भोजन का, ये देखिए क्या मजा आ रहा है। गले में खाना ना फंस जाए बहन जी। वो तो बनती रहेगी, अब परसों तक बनती ही रहेगी। पंजाब की खासियत है खाना लाजवाब बनता है। दो एक बार यहाँ पे प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला, बहुत अच्छा है। खुला दिल खुला दिमाग। दीदी प्रारंभ होने जा रहा है सिक्स्थ वर्कशॉप ऑन अटेंशन। चैतन्य हुआ वो तो है, एक सेकंड हो गया नहीं, एक मिनट। हाँ
ठीक है, आवाज पीछे तक ठीक है, क्लियर? मैं एनजी को बुलाना चाहूंगा, रमी बहन को यहाँ पर, इनके माध्यम से श्री माता जी ने ये कार्यक्रम का आह्वान किया है यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ मेरी बहन कुछ बोले यहाँ पे आके सबसे। बच्चे की तरफ से भी आप सबका स्वागत है, जिसको माध्यम बना के शिमादी कराने जा रही हैं, और आप सब भी माध्यम है। अब कोई ये कहेगा कि बाकी लोग तो नहीं करा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग ही तो सब कुछ कर रहे हैं। जब सब लोग ध्यान एकत्रित होकर ध्यानस्थ होते हैं, शिमादी के साथ जुड़ जाते हैं, और सबकी कुंडलियां एक हो जाती हैं, सबकी चेतना एक हो जाती है, सबके हृदय एक हो जाते हैं, तब जाकर परमेश्वरी किसी भी स्थान पर कोई भी कार्य होना हो वो कार्य संपन्न कराती है। और कुछ यदि प्रॉब्लम्स हैं किसी स्थान पे, बाधाएं हैं, नकारात्मकताएं हैं, वो सब नष्ट ऐसी ही ऊर्जाओं से होती है जब सहस्त्रार के सहजी, हृदय और सहस्त्रार के जागृत सहजी एकत्रित होते हैं, उनके माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए श्रीमाती ने प्रारंभ से ही सामूहिकता में बैठकर ध्यानस्थ होने की बात की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ पांच लोग होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होती हूँ, विराट स्वरूप में होती हूँ, आपके भीतर में होती हूँ, जहाँ सात होते हैं वहाँ साक्षात मेरा अवतरण उपस्थित होता है। सात जागृत सहजी का मतलब सातों चक्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियों का समूह बन जाना, और कहीं भी सामूहिकता किसी भी प्रकार की हो, यदि उसका उद्देश्य ध्यान में उतरना है, उसका उद्देश्य गहनता में जाना है,
उसका उद्देश्य अपनी आत्मा को समझना है, उसका उद्देश्य अपने अस्तित्व को जानना है, तो निश्चित रूप से सामूहिकता बहुत ही आनंददायी होती है और ऐसी ही सामूहिकताएं सदा श्री माता जी चाहती रही हैं। कालांतर में धीरे धीरे कर कर स्थान बनाए गए, ध्यान केंद्र बनाए गए। प्रारंभ में जितना भी ध्यान था सभी के घरों से संचालित होता था। वॉलेंटरीली बहुत सारे सहयोगियों ने श्री माता जी से कहा, श्री माता जी ये घर भी आपका है, आप जैसा चाहें यहाँ कराएं। तो जगह जगह पर घरों में सामूहिकताएं होनी प्रारंभ हो गई। वास्तव में ये सामूहिकताएं थी, जब जमीन खरीदी गई 15-20 साल बाद जमीनें खरीदी गई जगह जगह जाकर, फिर लोगों ने सेंटर्स का निर्माण किया और वो सेंटर कहलाने लगे। वास्तव में जो सेंटर है वो सेंटर है हमारे ससुराल, वो सेंटर है हमारे ससुराल, माँ आदि शक्ति के सेंटर। और ध्यान केंद्र कहाँ है? ध्यान केंद्र है हमारे मध्य हृदय में। जब हम पूर्ण रूप से ध्यानस्थ होते हैं, हम बिल्कुल एकाकार हो चुके होते हैं, हमारे कोई विचार नहीं होते हैं, हम बिल्कुल खोए हुए होते हैं उस परमात्मा की शक्ति में, तब जो ऊर्जा का प्रभाव आता है, जानते हैं उस ऊर्जा के प्रभाव में कौन होता है? ऊर्जा के प्रभाव में होते हैं सारे के सारे देवगण, सूक्ष्म रूप में, माइक्रोन फॉर्म में, और उनके साथ होते हैं आज तक जन्म लिए हुए उच्च दर्जे के मानवों की चेतनाएं, जो स्वतंत्र विचरण कर रही है इस ब्रह्मांड में, जो ऊर्जा की धारा के अस्तित्व में, मां की ऊर्जा के रूप में महसूस होती है, वो वास्तव में वही ऊंचे ऊंचे दर्जे के लोगों की चेतनाएं हैं। और वो भी हमारे भीतर में प्रवेश करते हैं और हमारे भीतर में जो अनेकों प्रकार के आध्यात्मिक केंद्र हैं, वो सभी लोग अपने अपने स्थानों पर जाते हैं और अपने उन तत्वों को जागृत कर देते हैं, तब जाकर हमारे भीतर में ऊर्जा का संचार होता है और हम अपने भीतर में वाइब्रेशंस की अनुभूति कर रहे होते हैं। वाइब्रेशन का मतलब क्या है? वाइब्रेशन का मतलब है कंपन। कंपन किस चीज से होता है? जब कोई चीज प्रतिक्रिया करती है, रिएक्शंस, रिफ्लेक्शन। जैसे एटॉम्स हैं, एटॉम्स प्रतिक्रिया करते हैं, ऊर्जा के एटॉम्स हमारे भीतर में प्रतिक्रिया करते हैं, तब जाकर हमको अनुभूति होती है वाइब्रेशंस की। ये चमत्कार नहीं है, ये सूक्ष्म ज्ञान है। इसके लिए श्री माता जी ने बोला है मेटा साइंस, सूक्ष्म विज्ञान। और चमत्कार हम उसे कहते हैं जिस चीज को हमारा छोटा सा दिमाग या मन समझ नहीं पाता, हम उसे चमत्कार की संज्ञा देते हैं। यदि हमारा ये जो ब्रेन है ध्यानस्थ अवस्था में 100% अगर विकसित हो जाएगा, तो हमारी जुबान से कभी भी ये नहीं निकलेगा कि कोई चमत्कार हुआ, क्योंकि उस एनलाइटेड ब्रेन के जरिए हम जान पाएंगे कि ये घटना इस तरीके से हुई है। उस सारी घटनाओं का कारण परिणाम हमें पता लग जाएगा तो चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होगी। चमत्कार केवल एक तरीके से हम कहें सतही स्तर पे जिस चीज का हमें पता नहीं होता और कोई अचानक हमारे सामने घटित होता है तो उसे हम चमत्कार की संज्ञा दे देते हैं। और चमत्कार उन लोगों के लिए विश्वास बढ़ाने का भी कार्य करता है जो एक साधारण चेतना के स्तर पर जीवन जीते हैं। उनके लिए चमत्कार भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाने का एक साधन बनता है। प्रारंभ में मनुष्य चमत्कार से आकर्षित होता है और जब अपनी ही गहन साधना में वो उतरता है तो उसे चमत्कार का मतलब कुछ और ही समझ में आने लगता है। वो कहता है, हाँ माँ, आपने हमारे भीतर में चमत्कार किया है, हम पहले जैसे न रहे। जैसे हम पहले एक निकृष्ट जीवन जिया करते थे, अब हम उसी जीवन को जी रहे हैं बाह्य रूप से, लेकिन आंतरिक जीवन हमारा बड़ा सुंदर हो गया है, बड़ा आनंददायी हो गया है। तो आप सबका स्वागत है श्री माँ के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, और आप सबकी अनुभूतियां जो आप यहां से लेते हैं, जो आप कहीं भी जाकर ध्यान से लेते हैं, वो कहीं ना कहीं एकत्रित होती जाती हैं। तो और ये ऐसे आयोजन होते हैं जब आप अपनी उन अनुभूतियों का एक दूसरे से आदान प्रदान कर पाते हैं।
तो ये जो सेशन प्रारंभिक है, इसका प्रारंभ होने जा रहा है आप सबकी अपनी अनुभूतियों से। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो पहली बार यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले वो बात करेंगे, बाकी जो पहले आ चुके हैं वो बाद में करेंगे। जो पहली पहली बार यहाँ आए हैं वो ये बताएंगे यहाँ क्यों आए, क्या कारण है उन्हें यहाँ आने का, और वो बताएंगे उनके अंदर की इच्छा क्या है, और वो बताएं कि हमें ध्यान में क्या मिला है और हम क्या पाना चाहते हैं। इससे बड़ा एक आनंददायी एक घटनाक्रम घटित होगा, हम सबको बहुत आनंद आएगा। 4:26 हुए हैं, 6 बजे के करीब का जो समय है लगभग चाय का समय है, और 9:30 बजे का समय सुनिश्चित हुआ है भोजन का। तो इसका मद्देनजर रखते हुए सारे कार्य हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम सभी लोग अपने अपने हृदय में श्रीमान को प्रणाम करते हैं, अपने ही मध्य हृदय में, और श्रीमान से कहते हैं हम, हे माँ, जिस प्रयोजन के लिए आपने हमें यहाँ पर एकत्रित किया है, कृपया वह कार्य प्रारंभ कराइए। हम सभी आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं, कुछ भी समझ नहीं है हमें, हमारे हृदय में आकर अनेकों प्रेरणा देकर हमको बताते रहिए माँ कि हमें क्या करना है। हम सभी आपको अपने हृदय में अनुभव करते हैं, आपकी उपस्थिति का हम आनंद लेते हैं माँ। हमारे हृदय में सदा के लिए अपना स्थान बना लीजिए श्री माता जी। हमारी चेतना को उच्चतम अवस्थाओं तक विकसित कर दीजिए, हमारी गहनता को गहनतम अवस्था में परिवर्तित कर दीजिए, और हमें वो बनाइए माँ जो आप हमें बनाना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए हम इसी भाव में ध्यानस्थ होंगे। इसी ध्यान की अवस्था में हम अपने चित्त को पूरे लुधियाना पर डालेंगे, सिर्फ हृदय और शस्त्रार को एक कर दोनों स्थानों की ऊर्जा को एकत्रित करके अपने चित्त में हम लाएंगे पूरे लुधियाना को।
और इस दिव्य ऊर्जा को हम पूरे लुधियाना पर प्रवाहित करेंगे। 3-4 मिनट के लिए हमारा पूरा चित्त लुधियाना पर ही फोकस रहेगा और साथ ही प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आपके प्रेम के प्रसार में जो भी बाधाएं हैं, आपकी जागृति के प्रसार में जो भी बाधाएं हैं श्री माता जी, उन सब को समाप्त कर सबके हृदयों में अपने स्थान बनाइए। मां, सारे संसार को अपने श्री चरणों में नतमस्तक कीजिए श्री माता जी। सारे लुधियाना वासियों को, उनके हृदय को अपनी ओर खींचिए श्री माता जी। हम सब की यही शुद्ध कामना है, यही इच्छा है। हमारे हृदय की इच्छा है मां, सहज का कार्य पूरे पंजाब में दिन दूनी रात चौगुनी गति से तरक्की करे और साथ ही उन सभी के हृदय प्रेम से पोषित हो, ताकि किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो सके। जो भी गलतफहमियां किसी भी कारण से सहजियों के बीच पनप रही हैं, चाहे वो संस्थाओं के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, सबके हृदयों को जागृत करिए वहां, ताकि सबकी समस्याओं का, सबकी गलतफहमियों का समाधान हो सके और सभी लोग आपके प्रेम को, आपके आशीर्वाद को, आपके श्री चरणों में बने रहने को स्थित हो जाए, उपलब्ध हो जाए आपके श्री चरण सभी के हृदयों में। मां, इन्हीं भावों के साथ 2-4 मिनट रहेंगे। की बातचीत का सेशन, एक दूसरे के अनुभव को आनंद लेने का सेशन। सबसे दूर से कौन आया है? हमारी बहन रेखा और डॉक्टर साहब। सबसे पहले इन्हीं को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आके
कुछ बोले अपनी ही सीट पे, कोई दिक्कत नहीं, माई फादर पहुंच जाएगा। और इससे पहले जैसे मेरा गलती से भूल गया हूं वाइब्रेटर पे करना, जिन्होंने वाइब्रेटर पे नहीं किए हैं वो भी इसे वाइब्रेटर पे करना, जोर से बहन आवाज में है। जय श्री माता जी। ये सब क्या ने बताई दिया, मेरा नाम एक कविता है, मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग से 70 किलोमीटर दूर की कागर वालवा के देश है, वहाँ से आई हूँ। और पिछले 10 वर्षों से मैं सहयोग कर रही हूँ, अच्छे वाइब्रेशन के अनुभूति में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाइब्रेशन वहाँ आकर हमारी जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम विचलन में आ जाते हैं। अगर इस तरह हमारे जीवन में विचलन चलता रहेगा तो श्री माता जी ने जो अपेक्षा की है सहयोगियों से, उस अपेक्षा पर हम लोग खड़े नहीं कर पाएंगे। दो तीन महीने पहले एक दिन मैंने चूँकि कुछ भैया के प्रोग्राम में देख रही थी, एक दिन मैंने भैया को मैसेज सेंड किया कि भैया मुझे आपका नंबर मिल सकता है, और भैया ने तत्काल ही मुझे अपना नंबर उपलब्ध कराया। और मैंने जब उनसे बात की तो मेरे चेतना का जो लेवल था जबरदस्त था, त्रिमंडस था, और बात बात में आत्मा और शस्त्रार्थ एक हो रहे थे। आत्मा और शस्त्र जब एक होने लगे तो जो आनंद था वो अकल्पनीय था, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है, और वो सारी चीजें मैंने वहां पर ही बताई। और तभी मैंने श्री माता जी से मनी मन रिक्वेस्ट किया कि माँ मैं भी किसी एक प्रोग्राम को अटेंड करूँ और देखूँ कि आखिर मुझे क्या किस मुकाम पर जाना है। और श्री माता जी ने जो कहा है कि उन्हें 1000 सहयोगी चाहिए सदाशिव के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए, कहीं कहीं मेरी इच्छा है कि उस 1000 में एक नंबर मेरा भी हो। तो मेरा उद्देश्य है इस वर्कशॉप में आने का, मैं ध्यान की गहनता प्राप्त करूँ, जो सांसारिक विचलन आते हैं वो तो आएंगे, उनसे मैं विचलित ना हूँ। और पिछले 2-3 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत जगह पर मैं परिस्थितियाँ प्रतिकूल आई लेकिन विचलन का स्तर बहुत कम था, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरी पिछले 2-3 सालों में। और शायद मैं ऐसा सोचती हूँ ये सब मेरी परम पूज्य श्री माता जी की हमारी कृपा होती है, हमें कब कहाँ किससे मिलाना होता है ये उन्होंने डिसाइड कर रखा है, तब हमारी चेतना का स्तर ऊपर ले जाना है, हमारे ध्यान की गहनता को कैसे करना है, जैसे जैसे समर्पण की ओर जाते जाएंगे ये स्थितियाँ हमें प्राप्त होती जाएंगी। और जो देहरादून वाला वर्कशॉप था उसके सारे एपिसोड मैंने देखे, मुझे बहुत आनंद आया। तो मेरे मन ने एक बात कही कि जब मैं आगर में बैठकर इतना आनंद प्राप्त कर सकती हूँ तो अगर उस कार्यशाला में रहूँगी तो कितना मजा आएगा। और माँ से रिक्वेस्ट किया था, माँ कृपा में यहाँ पर आई हूँ, और निश्चित रूप से एक ही उद्देश्य है श्री माता जी, एक ही उद्देश्य है कि जो प्यार आप पूरे जगत को देना चाहती हैं वहाँ उसके लिए कार्यशाला सशक्त माध्यम बने, और एक प्यार का, एक प्रेम का, एक ध्यान का, एक आध्यात्मिकता का संदेश पूरे भारतवर्ष में फैले और सबको श्री माता जी का वो प्यार प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो, जिसके लिए श्री माता जी धरती पर अवतरित हो गए। जय श्री माता जी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर था डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पास लगा के बोलिएगा। जैसी बात है, बेसिकली कार्यशाला आने का मेन उद्देश्य कुछ है, बेसिकली मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अध्यात्म में और मेडिकल साइंस में कुछ संबंध है क्या, अगर ये संबंध है तो इसका उपयोग हम कैसे कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि मैं 10 साल सहयोग कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं मैकेनिकल सहयोग ही कर रहा हूँ, बंधन ध्यान इसके अलावा चक्रों की शुद्धि, नाड़ी की शुद्धि। बेसिकली जब हम संस्थान पर पहुँचते हैं जब तक तो हम ध्यान बंद ही कर लेते हैं और आरती करने लग जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य, मैंने भाई साहब के वीडियो देखे तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तक हम 10 साल से ध्यान नहीं कर रहे थे, ध्यान के लिए तो संस्थान पे आपको इन सब चीज़ों मैकेनिकल चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं होगी,
तो मेरा ये उद्देश्य था यहाँ पे आने का। जय श्री माता जी। राकेश जी, ये हमारे भाई साहब हैं, फेसबुक पे फ्रेंड बने थे, तो इन्होंने भी शायद कुछ देखा होगा, उन्होंने फिर मेरे को एसएमएस किया, मेरा नंबर लिया, उसके बाद बात हुई, फिर उन्होंने कहा मैं आना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में, तो प्लीज। मैंने भैया की डी20 सेशन की और जितने भी 5 वर्कशॉप्स हुई हैं वो सारी मैंने देखी हैं और अक्सर मैं देखता रहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा प्रैक्टिकली यहाँ पर आकर सब लोगों के बीच में उस डिफरेंस को महसूस करना चाहता था कि वीडियो देखने में और यहाँ प्रैक्टिकली अटेंड करने में क्या डिफरेंस है। हमारे अमन जी हैं, लुधियाना के ही हैं, इन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी, तो मैं इनसे भी चाहूँगा कुछ बताएं। हेलो हेलो हेलो, जय श्री माता जी। हाँ सर, जय श्री माता जी। थोड़ा अमन जी जोर से आवाज नहीं आ रही। मैं काफ़ी साल से सहयोग से मिला हूँ और मुझे हेलो कोई बात नहीं, इससे आप इससे जी बोलिए। हेलो, जय श्री माता जी। मैं काफ़ी सालों से सहयोग से मिला हुआ हूँ, इसमें दूर रखना पड़ेगा उसमें पास। मैं पहले इससे पहले कई संस्थाओं के साथ सत्संग में रहा हूँ, जाता रहा हूँ, क्रीडे से जुड़ा रहा हूँ और जिन मिनिस्टर पर उनके साथ कार्य भी करता रहा हूँ। तो सहयोग में आके मुझे आंतरिक चेतना का अनुभव हुआ और यहाँ भी हमको यहाँ भी जहाँ अपने माता जी के केंद्र में उसी के अनुसार मिलने पर मेरी बात पर क्या हुआ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं श्री माता जी के चरणों से जुड़ा, उनके प्रेम को जाना, उनके साथ रहकर उनकी श्री विद्या चक्रों की जाति के बारे में जाना, तो आपके नाम के बारे में सुना, आपके फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा, तो उससे और आगे प्रेरणा मिली, तो जिज्ञासा हुई कि आपको वर्कशॉप अटेंड करो, पर दूर दूर और कुछ समय की समस्या के कारण नहीं जा पाया और मसीह की कृपा से आपको यहाँ पाकर जोड़कर हृदय गदगद हुआ कि ये कार्य स्वयं श्री माता जी ने मेरे लिए कर दिया। तो मैं सुनता हूँ कि यहाँ आने वाली सभी चेतनाएँ अपने सहयोग को अनुभव करेंगी, अपने साक्षात्कार अनुभव करेंगे, उनकी प्रेम अनुभवी शक्ति को प्राप्त करेंगी और अपने इस तरह को साक्षात्कार के साथ आनंद नहीं बनाएंगे। धन्यवाद अमित जी। अब हमारी बहन जो नई पहली बार आई है, हाँ प्लीज, और इसके बाद आगे बढ़ाते रहिएगा, बोला ना आगे भी बता रहा हूँ। देखिए जो भी बोले इसे ऐसे करके बोले, यहाँ इधर कर कम से कम, अगर ऐसे रखेंगे तो इसमें आवाज़ नहीं आती है, यहाँ से आती है इसकी आवाज़। जय श्री माता जी। हिंदी से मुझे काफ़ी साल हो गए, 10-20 साल तक देखे हो गए सहयोग, लेकिन मेरी ज़्यादा कोई चेतना की स्थिति में बनी नहीं, ऐसी कि काफ़ी सारे क्वेश्चन थे मन में, समझ में नहीं आता था किससे पूछें, सेंटर जाते थे वही आती ही ध्यान करके घर आ जाते थे, लेकिन फिर मैंने बीच में काफ़ी टाइम तक सेंटर जाने छोड़ दिया, फिर ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि माँ ने मुझे अपने धर्म स्थान पर बुलाया, तो मुझे लगा माँ
मेरे को इतना प्यार करती हैं, जरूर कुछ ना कुछ देना चाहती हैं। मैंने फिर से सेंटर जाना शुरू करा, फिर वहाँ पता चला कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं। मैंने भैया को देखा, मैंने देहरादून का देखा था, उसमें मेरे सारे जो क्वेश्चन थे सबका जवाब मुझे मिला। मैंने कभी उसी दिन में मैसेज करा भैया को कि नेक्स्ट वर्कशॉप का, मैं वो देहरादून की थी लेकिन उसमें मैं नहीं आ पा पाई, मैं फिर इसलिए मैंने इसलिए वर्कशॉप अटेंड कराऊँगा। उसमें मैंने यूट्यूब पर देख के काफ़ी डीप मेडिटेशन में जाकर अच्छा लगता था, मैं भी प्रैक्टिकल करना चाहती थी। मैंने देखे भगवान देना क्या चाहती हैं, निश्चित तौर पे मैंने पाया तो बहुत कुछ है माँ के द्वारा, क्योंकि गहन ध्यान जब हम करते हैं तो प्राप्ति होना तो निश्चित, ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। निश्चित तौर पर मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखा, जो है आम जीवन में हमारे बहुत अधिक होता ही है, किसी न किसी कारण कुछ उत्पन्न होता है, उसे उस पर मैंने काबू पाना सीखा जब से मैं श्री माता जी के चरणों में। और मेरी जिज्ञासा जो थी वो यही है, यहाँ आने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं इस मार्ग को पूरी तरह से जान सकूँ और पूरी तरह से वो अंतिम छोर तक पहुँच सकूँ जो इसकी पराकाष्ठा है। और मैं उस सब चीज़ को जो श्री माता जी कार्य कर रही हैं, शायद मैं भी वो अनुभागी बनूँ और मुझे भी वो लक्ष्य प्राप्त हो सके कि शायद मेरे जीवन इस जीवन को धारण करने का जो उद्देश्य है जोर से बोले हैं तो काम चल जाएगा। बहन थोड़ा जोर से बोल दो मेरी तरह। Thank you.
उन्होंने यहाँ का रास्ता दिखाया, कुछ हेल्प इशू भी थे जब से माँ से जुड़ी हूँ उसमें भी मुझे काफ़ी कम आई है, पर मैं तो भाग्यशाली समझती हूँ कि माँ के चरणों से जुड़ी हूँ। एक बार इधर से यहाँ तो वो चल रही है बातचीत।